हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइज, हम जा रहे हैं कहीं घूमने क्या, किसी के निमंत्रण में जा रही हूँ, तो और कोई नहीं जा रहा, सिर्फ मैं जा रही हूँ और रीसू जा रहे हैं, और ये मुझे छोड़ के आएंगे, कह रहे कि तू ही जा, और ये नहीं जा रहे हैं। ये इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि यीशु की तबीयत ख़राब है, इसलिए घर में कोई एक लोग रुकना ज़रूरी है, इस वजह से नहीं जा रहे हैं। और यहाँ पर आई हूँ मैं शादी में, किसी की शादी थी, मेरे लड़की की शादी थी, इस वजह से हम आए थे, तो कार्ड आया था इस वजह से। तो जाना भी पड़ता जब कोई बुलाए, अच्छा भी नहीं लगता, नहीं जाओ। अब चाहे तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम हो तो अच्छा नहीं लगता ना, कोई ये नहीं जानेगा तुम्हारी प्रॉब्लम पर, आए नहीं तो ये सब कहेंगे आए नहीं थे, बहाने कर दिए, अच्छा नहीं लगता। इसलिए मुझे आना पड़ा, मैं और रीसू आए हैं, बस ये मुझे छोड़ के चले गए थे दरवाजे तक, बोले कि तुम चली जाओ और मैं यीशु के पास जा रहा, क्योंकि उसकी तबीयत सही नहीं थी उस टाइम पर, तो ज़्यादा हालत ख़राब थी, इस वजह से कोई एक उसके पास भी रहना, और फिर इसे यहाँ ले भी आती तो उसका मन नहीं मानता, ये सब चीज़ें उसके लिए मना है, मतलब कुछ खाना पीना नहीं, बच्चे नहीं मानते, फिर हम लोगों के भी तो मन नहीं करता कि हम खाएं और बच्चा ऐसे रहे, अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैंने कही, ये कह रहे तुम चली जाओ, मैं इनसे कह रही थी तुम चले जाओ, पर ये नहीं आए, मुझे ही आना पड़ा मजबूरी में। और रीसू भी जिद कर रहा था, मम्मी चलो आप चलो, तो मैं कहा ठीक है। और इनके जहाँ ये ट्यूशन पढ़ते हैं वहीं थी शादी, आना भी बच्चों की भी भाई अच्छा नहीं लगता, इनके संग के सारे बच्चे आए थे, इसलिए कह रहे मम्मी चलो। फिर मैं तैयार होके आ गए, और देखना घर में सारा काम यूँ ही पड़ा था, पुताई वगैरह का, लेकिन सारा काम छोड़ के आना पड़ता है, कुछ भी हो जाए, बहुत सारा काम पड़ा था, लेकिन मजबूरी में मैं ऐसे ही सिंपल ही ले आई हूँ, बिल्कुल साड़ी पहनी है बस, और कुछ नहीं किया है। और यहाँ पे खाना पार्टी वगैरह चल रही है, और लड़की की शादी है, तो यहाँ पे रीसू आइसक्रीम खा रहे हैं, इन्हें आइसक्रीम, बस इन्होंने आइसक्रीम देख ली तो बस मुझे आइसक्रीम चाहिए, मतलब हमने कहा बच्चों को खुशी रखो तो सही है, नहीं तो ये अभी कहेंगे मम्मी मुझे आइसक्रीम नहीं खिलाई तो परेशान करते, इसलिए मैंने इन्हें आइसक्रीम भी दिलाई और मैं भी खा रही हूँ। तो छोटा सा ब्लॉग है, ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं, आप बने रहिए हमारे ब्लॉग में, देखते रहिए। यहाँ पे जयमाला पढ़ रही है, जयमाला पढ़ने जा रही है, तो यहाँ का भी मैंने लिया था सीन, तो लड़की बहुत खूबसूरत लग रही है, लड़का भी ठीक है पर लड़की ज़्यादा खूबसूरत, लड़कियाँ तो वैसे भी खूबसूरत लगती हैं, पहना ओढ़ा के ज़्यादा ही अच्छी लगती हैं, तो क्योंकि मेकअप वगैरह भी रहता है, अच्छी भी लगती है। जयमाला का टाइम हो रहा है और बहुत अच्छे तरह से शादी हुई थी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, लड़कियां आखिर होती ही पर आई हैं, आज कोई और इन्हें लेके जा रहा है, ऐसे ही हर लड़की को कोई ना कोई जीवन साथी मिलता है, और अपने माँ बाप से जुदा होके जाना ही पड़ता है। यहाँ पर तो विदाई का सीन तो बहुत ही डेंजर था, तो प्लीज़ विदाई का सीन नहीं देखा जाता, जब लड़की अपने माँ बाप से जुदा होके जाती है तो अच्छा भी नहीं लगता। तो यहाँ पे जयमाला पढ़ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था शादी में देख के, बहुत इंजॉय किया था। तो प्लीज़ न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।